भैया लोग आज हम अपने क्लास फ्रेंड की शादी में आए और यहाँ पे काफ़ी बिछड़े बिछड़े दोस्त मिले। ये तो मिलते ही रहते हैं, ये काफ़ी पुराना है, साथ में पढ़ता था, इसकी भी शादी हो गई, इसको मैंने अपनी शादी में नहीं बुलाया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और इन दोनों को तो बुलाया था, काफ़ी ज़्यादा नाचे थे साले सब। तो हम सब चारों दोस्त मिल के या नाश्ते के एरिया में आ गए। ये इसका छोटा सा क्यूट सा बच्चा आ गया और यहाँ पे खाने में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, तो हम लोग ने एक ही प्लेट में डोसा ले लिया। चटनी काफ़ी ज़्यादा तीखी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि दोस्त की रिसेप्शन पार्टी, तो वहाँ दबा के खाएंगे। तो यहाँ पे चाउमीन भी आ गई, वो भी एक ही प्लेट में खा रहे, इतने सारे दोस्त मिले और एक ही में खाने में काफ़ी ज़्यादा मस्त मज़ा आता है और मस्ती मज़ा भी होता है। देख रहे हो ना, चाउमीन खाने के बाद अब बारी आती है टिक्की दी, सब लोग यहाँ पे कुछ खा पी रहे, काफ़ी ज़्यादा दबा दबा के सब खा रहे क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं सबके सब। तो दोस्तों ये है हमारा दोस्त विकास और इसकी वाइफ, इन लोग की आज रिसेप्शन पार्टी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बधाई बधाई दी और फोटो वोटो क्लिक कराए, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं ये दोनों। और यहाँ से होने के बाद कुछ मस्ती मजाक चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हो नवाब लोग बैठे हैं और वीडियो मेरे बनवा रहे हैं। और एक दोस्त ये है, इसका नाम आदित्य, ये थोड़ा लेट हो गया था लेकिन काफ़ी ज़्यादा मस्ती इसके साथ भी हुई है। सब हम लोग के क्लास फ्रेंड हैं, ट्वेल्थ तक हम लोगों ने सब साथ पढ़े और ये थोड़ा लेट आया तो कहने लगा चलो कुछ खाने पीने चलते। हमने कहा चल भाई चल, तेरे लिए फिर से मैं चलता हूँ खाने, लेकिन मैं नहीं खाया, इसी के लिए केवल डोसा लिया और इसने खुद दबा के डोसा खाया। अरे चाची थोड़ा साइड दो ना मेरे को, डोसा ओसा लेने दो ना, कहाँ बीच में आ गई। शादी और पार्टी में नाच गाना ना होता ऐसा होने था, यहाँ छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं, यहाँ भाभियाँ लोग भी नाच रही है और बड़े बच्चे भी यहाँ पे नाच रहे हैं। और देखो मेरा दोस्त कैसे वाइफ के साथ बैठा हुआ है, बेटे दिखाओ इसे इसे कहाँ से शुरू किया जाए यार, तो अब बारी आती है खाने की। हम सब लोग ने अपनी प्लेट ले ली, छोला नहीं, छोला मेरे को नहीं पसंद है, जमता नहीं। ये क्या है, हरी धनिया। ये मेरा दोस्त आदित्य, इसे मैं निकलवा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ में प्लेट है और एक हाथ में मोबाइल है, तो कैसे कैसे करूँगा। तो इसने मेरे को निकाला, थोड़ा सा एकदम चारा सा लिया और फिर आगे चलते हैं। और आगे ये अंकुर आ गया, तो इससे मैं कढ़ाई पनीर ले रहा हूँ। अरे देना थोड़ा सा यार, कढ़ाई पनीर ही तो मज़ा आता है, शादियों में पनीर ना खाओ तो मज़ा ही नहीं है यार। खाने पीने तो लोग जाते हैं वहाँ पे, कौन कौन खाने जाता है कमेंट करना, जरूर बताना कौन खाने जाता है, कौन नाचने जाता है और कौन भाभी लोग को तारने जाता है। ये आ गया है तुषार, इससे मैंने कहा एक रोटी दे दो बिना मक्खन के, नहीं मक्खन मत लगाना, बिना मक्खन के। मैंने इससे रोटी ली और अपनी प्लेट तो भर गई है, चल चल के कहीं भी बैठते हैं। ये हम सब लोग बैठ गए, अंकुर है सामने मेरे बगल में, अंकुर बैठा है उधर, तुषार बैठा है और इधर बैठा है आदित्य। और ये भैया जी पता नहीं कहाँ बीच में आगे बैठ गए, हम चारों के बीच में बातें काट रहे हैं। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना है, स्वादिष्ट मैंने दबा के खाया और फिर मिलते हैं आपको। तो अब बारी आती है रसगुल्ला, गर्मा गर्म रसगुल्ला की। चाचा एक रसगुल्ला देना, कौन सा कैटरस है, काजल कैटरस, गुप्ता जी की पार्टी में गुप्ता जी का कैटरस। और इधर आइसक्रीम भी केवल रसगुल्ला मैंने लिया और इन लोगों का अभी तक खाना ही नहीं खत्म हुआ, मैं यहाँ फिर रसगुल्ला खा रहा हूँ, ये लोग अपना अभी दाल भात ही नोच रहे हैं। और एक दोस्त ये है जो काफी लेट है, अरे ये शादी शुदा है ना, तो बीवी वाले हो गए, अपने मन पसंद की खुलवा रहे हो क्या, सही है भैया। चचा इन लोगों का भौकाल है हमारे एरिया में। तो भैया खाना खाने के बाद इन दोनों को फिर से जोश सवार हो जाता है, ये लोग फिर से नाचने कूदने लगते हैं। ये देखो ना कैसे कैसे मटक मटक के नाच रहे, वो अपनी वाइफ के साथ नाच रहा है और ये बिना वैसे ही नाच रहा है, क्या ही भाई। लोग से कह रहा हूँ देर हो रही चलो, लेकिन लोग नाचने में इतना मशगूल हो गए ना, क्या कह रहे हो। अंकल जी भी आ गए, पहाड़ी गाना बज रहा है यहाँ पे। क्लास की दोस्त की वीडियो
दादी की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं बढ़िया सी प्यारी सी वीडियो बनता के लिए। टाटा बाय और गुड नाइट। अभी 10:30 बजा है लेकिन थोड़ा जल्दी है तो काम था ना, तो तभी निकल रहे आराम से चला भाई। पापा का फोन आ रहा है ना इसीलिए जल्दी निकल रहे ना, तो अभी और धमाल मस्ता। ज़्यादा मस्ती मजाक तो हुआ ही नहीं था क्योंकि वो नहीं था ना, इसलिए समझ रह सकते हो आप लोग।